हुए कहा कि हाई कोर्ट में के जरिए शिकायत पर पंजाब में दो सेशन जज को जबरी रिटायर किया गया और एक सिविल जज की तनजली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में तीन सेशन और तीन एडिशनल सेशन जजों को जबरी रिटायर किया गया। आज सिंध में चार जजों को जबरी रिटायर किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा जुडिशियल पॉलिसी के तहत अब अगर कोई जज इंतजामी अहदे पर तैनात है ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इसके खिलाफ कबल अजीज सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक केस अलर्ट सिस्टम के इफ्तिताह के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया को काबिल अफराद की जरूरत है और अच्छे वकला को सामने आना चाहिए। द एनुअल सर्वे आफ्टर द लॉन्च ऑफ द नेशनल जुडिशियल पॉलिसी रिवील्ड दैट ऑल ओवर 90% केसेस पेंडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। 31 lakhs cases were decided in one year since implementation of the national judicial policy in June 2009. قبل ازیں سپریم کورٹ رجسٹری میں سندھ ہائی کورٹ بار اور کراچی بار کے وفود نے چیف ملاقات کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ کراچی بار کے صدر محمد عاقل نے اپنے خطاب میں چیف جسٹس کو وکلا کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ काम नहीं कर रहे हुकूमत और अपोजिशन फ्रेंडली है, आपस में बहम हैं और एक दूसरे की बारी का इंतजार किया जा रहा है। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट अपना ड्यू रोल सही तरीके से अदा कर रही है। बलूचिस्तान के दो जजों और तीन वकला के अगवा के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस मामले का जायजा ले रहे हैं, जल्द इस सिलसिले में हिकमत अमली। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में ये भी कहा कि जब से अदलिया तहरीक कामयाबी से हमकिनार हुई है, इदारों ने अपने असल फराइज सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं, इसलिए अदलिया अगर अपने नजरसानी के इख्तियारात को इस्तेमाल करती है तो इससे किसी को दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। कैमरामैन शेख नवेद के साथ अखगर अनवार, जियो न्यूज़।